किया जाए और उनको टेंट दिए जाए, उनको राशन दिया जाए, उनको साफ पानी दिया जाए, उनको मेडिसिन दी जाए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए उनके घरों में, उनके गांवों में, उनके शहरों में, जहां जहां पे पानी मौजूद है उसको प्रायोरिटी पे वहां से पानी निकाला जाए, जैसे लोग वापस अपने घरों के अंदर जा सके। मगर हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो अभी तक हमने इंतजाम देखे हैं वो इंतजाम नाकाफी हैं। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इतनी तबाही हुई है कि जिसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। लोग बेयार मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। सिंध बार काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि वो तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और तहसील बार एसोसिएशन को हिदायत जारी कर रहे हैं कि जनाब आप अपने अपने लोकल एरियाज के अंदर तमाम बार एसोसिएशन रिलीफ कैंप कायम करें और जो मुतासरीन हैं उनकी मदद करें, उनके लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ वर्क करें। हमने अपने तमाम बार एसोसिएशन से ये भी गुजारिश की है कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वफाकी हुकूमत की तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स को बजट मिल रही है उस बजट के ऊपर नज़र रखें कि ये बजट कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, क्या ये बजट उन लोगों तक पहुँच रही है जो इसके मुस्तहिक हैं या नहीं पहुँच रही। इसके लिए तमाम बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट और उनके बकाया अहदेदार कंसर्न सेशंस जज के थ्रू, जो कि सेशन जज के पास जस्टिस ऑफ पीस का भी अहदा होता है, तो उनके थ्रू वो इस रिलीफ के वर्क के ऊपर नज़र रखेंगे, उनको वाच करेंगे, इसको यकीनी बनाएंगे कि ये जो रकम गवर्नमेंट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को मिली है ये मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। अगर ये कहीं भी करप्शन हो, कहीं पे गैर मुतलका लोगों तक वो पैसे जाएं या इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व होकर इनकी मिस अप्रोप्रिएशन करें, तो उनको सामने लाया जाए, मीडिया में डिस्क्लोज किया जाए, अदालतों में उनके खिलाफ केसेस फाइल करें, उनको बुलाएं, उनसे पूछा जाए कि आपको इतने करोड़ मिले डिप्टी कमिश्नर साहब, आप बताएं अदालत को कि आपने ये पैसे कहां कहां पे खर्च किए। अगर इसके अंदर कहीं भी मिस अप्रोप्रिएशन होती है, फंड्स का नाजायज इस्तेमाल होता है और करप्शन होती है, तो आप मीडिया में भी लाएं और सिंध बार काउंसिल्स को भी बताएं, अपनी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को बताएं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बताएं, पाकिस्तान बार काउंसिल को ये बताएं कि जनाब आला देखें ये जो रकम आई थी मुतासरीन के लिए वो गैर मुतलका लोगों के पास चली गई है पॉलिटिकल फिगर्स के आने की वजह से, ब्यूरोक्रेसी की मोनोपोली की वजह से। यहाँ पे स्याह व सफेद का मालिक डिप्टी कमिश्नर साहब बने होते हैं और डिप्टी कमिश्नर के ये अख्तियार होते हैं कि वो जहाँ चाहें वो फंड्स का इस्तेमाल करें। सिंध बार काउंसिल ये मुतालबा करती है कि इनके ऊपर क्लोज वॉच रखा जाए और सिंध बार काउंसिल कल सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ मिलकर रिलीफ कैंप लगा रही है हाईकोर्ट के अंदर और तमाम दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। हमारी कराची बार एसोसिएशन ने आज सिटी कोर्ट के अंदर रिलीफ कैंप कायम कर दिया है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो गए हैं और हम इसको यकीनी बनाएंगे कि ये जो हमें मुतासरीन के लिए अमानत मिल रही है सिंध बार काउंसिल उन मुतासरीन तक ये पहुंचाएगी। आपके तमाम
ताबुन का बेहद शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। कोई इस सवाल सवाल पूछना चाहेंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कराची बार का प्रेसिडेंट अशरफ अली जनाब, मैं नवीन साहब उमर सिक्योरिटी कराची बार। हम आप सब दोस्तों के शुक्रगुजार हैं कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल निशान नोटिस पे हुई है। आप लोग ही हमारी आवाज़ बनते हैं, मजलूमों की आवाज़ बनते हैं, इंसान की आवाज़ बनते हैं। जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, फ्लड की वजह से, सैलाब और बारिश की वजह से, वो आप सब दोस्तों के सामने हैं। कराची बार, सिंध बार काउंसिल, हमारी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाजमी है हम भी काफ़ी मुल्क के हर कोने से जहाँ वकील मौजूद है, सब दोस्तों ने कहा कि कोई रिलीफ कैंप्स कायम की जाए, जिसमें जितना एक इस वक्त जो तकलीफ है उस पर अगर कोई थोड़ी हमारी तरफ से, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से अगर मरहम रखी जाए, तो वो उस सिलसिले में कराची बार में आज हमारे कैंप शुरू हो गई है। और उसमें आज हमारे दरबानी साहब, रुकर दरबानी साहब और वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। कल सिंध हाई कोर्ट में लगेगी। तकलीफ की इस घड़ी में मैं आप सब दोस्तों के तवसुत से, जितनी भी हमारी सियासी लीडरशिप है, सबसे दरख्वास्त करूँगा कि जो तबाही आई है उस तबाही ने कहीं नहीं देखा कि ये किस पार्टी का है। इसी तरह उन जो उनसे दरखास्त करूँगा आप दोस्तों के तवसुत से, जो भी जितने उनके सियासी मामला हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, जो भी आकर हैं, कम अज़ कम इस वक्त कौम को हमारी ज़रूरत है, हमारी लीडरशिप की ज़रूरत है। कम अज़ कम हमारी लीडरशिप से आपको ऐसा मैसेज आना चाहिए, जितने भी ये लोग हैं, चाहे हमारे बलूचिस्तान के हों, चाहे हमारे सिंध के हों, चाहे हमारे वहाँ पंजाब के हों, किसी के जिस हिस्से से भी हों, तो कम अज़ कम गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उनकी तरफ से फौरी रिलीफ कम अज़ कम उनको पहुँचना चाहिए। जिस तरह दरबारी साहब ने कहा कि जो अभी हालात हैं, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, कोई वो अपनी फैमिली के साथ रोडों पर बैठे हुए हैं, खुले मैदानों में बैठे हुए हैं, तो कम अज़ कम जो फर्स्ट एक रिलीफ कैसे आप टेंट्स हो, मेडिसन हो, कम अज़ कम खाना हो, ये तो अभी तक फ़ौरन उन लोगों को पहुँचना चाहिए। मैं सीएम सिंध से, सिंध के लिए दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, जो हमारी लोकल ब्यूरोक्रेसी है, उपचार कार्य से लेके, कपेदार से लेके, डीसी से लेके, उनको कम अज़ कम इस वक्त इंक्लूडिंग सीएम साहब फील्ड में होना चाहिए। जितना वो लोग जितना वो फील्ड में रहेंगे, जितना वो उन अफेक्टेड लोग उनके साथ जितना कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, कम अज़ कम उनकी तकलीफ का थोड़ा बहुत बदलाव हम कर सकते हैं। तो आज इसलिए आप दोस्तों को ये हमने तकलीफ दी कि आप लोग हमारी आवाज़ बने, ये कम अज़ कम आवाज़ हमारी जितनी भी पोलिटिकल लीडरशिप है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अपने मामला को ख़त्म करें, साइड पर रखें, फिलहाल इस कौम को ज़रूरत है इकट्ठा करने की, ज़रूरत है इस कौम को जो उनकी तकलीफ है वो कम करने की। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी जो भी सवाल होंगे हमारे कराची बार के सेक्रेटरी दोस्त भी बोलना चाहेंगे। शुक्रिया प्रेस वालों का, भाइयों बहनों, आप लोग आए तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को मेरे काबिल दोस्तों ने बताया कल यहाँ कैंप सेटअप करेंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत सिंध की जो एफर्ट्स हैं उनको सप्लाई करें। हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में बार एसोसिएशन हैं, लेकिन लॉजिस्टिकल सपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट, चूँकि रूट्स रस्ते सब बंद हो चुके हैं, बैरिचों में पहुँचना मुश्किल होगा, तो हमने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद दी है जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने 2008 में सर्दियों के दौरान और 2010 में फ्लड्स के दौरान काफ़ी मदद की। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द कराची रिलीफ ट्रस्ट, KRT के साथ हम फंड रेज कर रहे हैं। KRT हमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी। हम चाहेंगे कि हमारे वकला नुमाइंदे जो पूरे सिंध में और बलूचिस्तान में हैं उन तक हम जितनी फार रीचिंग मदद की कर सकें हम करेंगे। फिलहाल बलूचिस्तान में हमारी सपोर्ट सिर्फ लसबेला और कुद्दत तक, उसके ऊपर हम नहीं पहुंच सकें।
जहाँ तक सिंध की बात है, आई थिंक वी कैन रीच आउट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। कल से हम फंड रेजिंग करेंगे। मैं हमारे वकील भाइयों और बहनों को कहूँगा कि मदद करें हमारी लॉजिस्टिकल सपोर्ट में, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हमें रिलायबल लोगों की ज़रूरत होगी ताकि राशन बॉक्सेस और ये टेंट्स उन तक पहुँच सकें। जहाँ हमें सिंध गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत होगी हम ज़रूर मांगेंगे, लेकिन आई थिंक वी वुड लाइक टू बी मोर इफेक्टिव टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, क्योंकि हम समझते हैं वो एक बहुत इफेक्टिव तरीका होगा, एक बहुत इफेक्टिव बिहेवियर होगी जिस इमदाद को आगे पहुँचाने का। और उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर कंपाउंड में सिक्योर इलाके हैं तो वी कैन स्टोर दीज राशन बॉक्सेस एंड टेंट्स। तो कल से हमारा शुरू है एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मौका दिया अपना मैसेज। आप हमारी आवाज़ बने। हम कराची बार एसोसिएशन ने आज वीक फंड का इजरा किया है, वहाँ पे हमने शुरुआत कर दी है और अलहमदिल्ला बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है सारे हमारे उगला ब्रादरी की तरफ से। एक जो जो चीज़ है जो बहुत सारे लोग मीडिया भी नहीं बता सकते, वजह क्या है कि सारे रास्ते बारिश की वजह से बंद हो चुके हैं, शहर में तो खबरें आ रही हैं कहाँ पर कितनी अमवात हुई, कहाँ पर कौन सी क्षति हुई, लेकिन जो देहाती इलाके हैं जहाँ जो शहरों से हटके हैं वहाँ तक सारे रास्ते सारी कम्युनिकेशन बंद है, लाइट नहीं है पिछले डेढ़ दो हफ्ते से और रोड सारे भरे हुए हैं, वहाँ से किसी किस्म की कोई खबरें नहीं आ रही कि कितना नुकसान हुआ है। ये हकीकत है कि देहात के देहात सारे डूब चुके हैं, वहाँ पे किसी किस्म का कोई हमें मैसेज तक नहीं मिल पा रहा कि क्या कितना नुकसान हुआ, नुकसान का तखमीना उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये जब रस्ते खुलेंगे, जब मामला सीधे होंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा जिंदगी का ये हमें नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से। तो आप सबसे भी एक गुजारिश है मीडिया से स्पेशली कि कवरेज दें उन लोगों को शहरों से हट के, जो शहरों से मुंसलिक जो देहात हैं जो गांव हैं वहाँ पे नहीं पहुँचा जा रहा, मीडिया पर्सन भी नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी थोड़ी खबरें आ रही है लेकिन लाइट ना होने की वजह से, इंटरनेट ना होने की वजह से वहाँ से भी खबरें नहीं पहुँच रही कि कितना नुकसान हुआ है, सोशल मीडिया से भी नहीं पता पड़ रहा। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप पूरे मीडिया मालिकान से भी गुजारिश है कि आप अपने रिपोर्टर से कहें कि उन इलाकों में जाएं जहाँ पे जो देहात हैं जो शहरों से मुंसलिक हैं, ताकि वहाँ की खबरें भी आएँ और वहाँ ये दुनिया के सामने असल नक्शा आए कि कितना नुकसान हुआ है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दिलवंत साहब तौर पर सिंध और बलोचिस्तान के लिए कहेंगे तो हमें इस फिलर रिलीफ में आर्मी का कोई रोल नज़र नहीं आया, इसलिए आज हमने ये मुत्तफ़िका तौर पर तमाम बार एसोसिएशन ने ये मुतालबा किया है कि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं पाक फौज के, ये हमारे कब इस्तेमाल में आएंगे, इससे बढ़कर और कौन सी वो आफत है जो आएगी और फिर ये हमारे वसाइल इस्तेमाल होंगे। हम मुतालबा कर चुके हैं, दोबारा दोहरा देता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ये आप यकीनी बनाएं कि सूबाई हुकूमतों की एड के अंदर अपने जवान ट्रुप्स भेजें, अपनी किश्तियाँ भेजें, उन लोगों को रेस्क्यू करें जिनको सूबाई हुकूमत वहाँ से रेस्क्यू नहीं कर सकती और वहाँ पे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। और पाकिस्तान आर्मी के पास वेल ट्रेंड आर्मी हैं जो देहातों में कच्चे के एरिया में पानी में अंदर जाकर उनको रेस्क्यू करके ला सकते हैं, उन वसाइल को बरूए कार लाएं और सूबाई हुकूमतों की मदद करें और उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने में, इनको रेस्क्यू करने में, इनको राशन पहुंचाने में, इनके लिए मेडिकल कैंप इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान आर्मी अपना रोल अदा करे और ये आज के वक्त की ज़रूरत है, इससे बढ़कर और मुश्किल हमारे मुल्क के ऊपर क्या आएगी। सचलबर साहब एक सवाल ये है कि आप लेकिन आपका किलोमीटर के आगे हम लोग किस तरह पहुँचेंगे, हमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जरूरत है।
हम लोग डिस्ट्रिक्ट जजेस के नेटवर्क से थ्रू ही ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे वकला हमारे ब्लैक कोर्ट से खुद आके वॉलंटियर करेंगे और जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएंगे। अब कितना हम लोग इफेक्टिव या सक्सेसफुल रहेंगे दैट रिमेन्स टू बी सीन। जिस तरह जलवानी साहब ने कहा कि दिस इज अ टाइम हमारे ट्रूप्स आगे आए दाद पहुँचाएँ एक बिकॉज ऑन आर ओन हमारे पास वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं है बोट्स का लाइफ गार्ड्स का लाइफ जैकेट्स का। हमारे पास तो टेंट्स होंगे उनको सेंटर ऑफ टाउन पानी नहीं है उनको वहाँ से कौन लाएगा। दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम एंड इसीलिए हम लोग हद तक इफेक्टिव होंगे बट आई थिंक अगर 5-6 दिन के बाद हम दोबारा मिलें तो शायद पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी कि हम कितने कामयाब हुए हैं और कितना फेल हुए हैं। पर फिलहाल हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए और ब्लैक को आगे आना चाहिए और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट के जो मार्क्स हैं सामने आएगी। हमारा ये काम है कि उनको सपोर्ट देना और रैशन पहुँचाना।